कमिंग बैक टू सावरकर और लक्ष्मी बाई और नेता बोस, कमिंग बैक टू दीज पीपल, दीज पीपल न्यू दैट द ब्लड विल फ्लो बट इट शुड नॉट बी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ब्लड. दे न्यू इट एंड दे पेड अ प्राइज. ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है. अभी मुझ पे 10 केस और होने वाले हैं इसके बाद. एक महिला को जो फिल्म अभिनेत्री है, केंद्र की सरकार ने उसे पद्मश्री देने का काम किया है. जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आजादी भीख में मिली और सही आजादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं. जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से यह कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आजादी 2014 में मिली, 1947 की आजादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है. हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम का डोज ज्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है. हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रानावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करें. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.